जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते लोगों का रोजगार छिन गया है, वहीं अगर हम बात करें सब्जियों की तो सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले तो प्याज की बढ़ती कीमत ने जायके का स्वाद बिगाड़ा और प्याज लोगों की पहुँच से दूर होती गई। टमाटर का भाव भी 60 के पार है। वहीं सब्जियों का राजा कहे जाने वाला आलू के सारे गरीब अपना जीवन काट रहे थे, लेकिन इन दिनों आलू के भी दाम आसमान छू रहे हैं। जहाँ महंगी सब्जियों ने रसोई का बजट बिगाड़ रखा है और सब्जियां आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, तो वहीं प्याज और सीजनल सब्जियों के भी दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे दुकानदार और ग्रामीण दोनों परेशान होते नजर आ रहे हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रही है, उसका सबसे बुरा हाल सब्जियों पर है। कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ जहां आम आदमी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का काम धंधा कमजोर हुआ है, तो वहीं सब्जियों की महंगाई से गृहिणियां खासी परेशान नजर आ रही हैं। वहीं सब्जी की दुकानों में दिखने वाली भीड़ भी कम नजर आ रही है। वहीं आंखी की बात करें तो जब सब्जियों की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो दुकानदारों ने अपनी अलग अलग समस्या बताई। उनका कहना है कि मंडी के रेट काफी ज्यादा हो गया है, जिससे हम लोग बहुत कम सब्जियां लाते हैं, क्योंकि सब्जी महंगी होने के कारण लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। तो वहीं आम आदमी की बात करें तो यही कारण है, पैसा कहाँ है इतना मिलेगा कि सब्जी खरीदा जाए। कैसे काम कर रहा है आप लोगों का? बस ऐसे है, टमाटर 50 में है, 50 रुपये किलो, प्याज 70 रुपये किलो, परवल 60 रुपये किलो, गोभी 50 रुपये किलो। बिक्री हो रही है आप लोग, दुकानदारी हो रही है सब्जियों की? दुकानदारी सही हो रही। महंगाई क्या, सब्जियां थोड़ी है। अब दाल देखो क्या भाव बिक रही, सब में महंगाई है। पहले जितना दुकानदारी होती थी जब सब नहीं है कोरोना काल में, अब उतना हो रही? नहीं हो रही, कम हो रही, बहुत कम है। पहले कितना सब्जी खरीदने, हाँ। किस तरह की महंगाई है? बहुत महंगी है सब्जी। कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? भगवान जाने, सब्जी बेचने वाला भी परेशान है, खाने वाला भी परेशान है। 175 उन्होंने इस बात को कहा है कि सर्दियाँ शुरू होते ही सब्जियों के दाम कम होते हैं, लेकिन इस बार सब्जियों के रेट कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं, जिससे हम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। अमेठी से राम मिश्रा की रिपोर्ट।